प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको जेनेटिक कोड के बारे में कुछ बात समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहां लिखा हुआ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में एक ये है लिखा हुआ यहां पर खरना। बिहार में छठ पूजा के शुभ अवसर पर उसके ठीक एक दिन पहले खरना मनाया जाता है। खरना पर्व होता है ये। जो भी बिहारी लोग होंगे, जो छठ करते होंगे, चाहे जो भी आदमी हो, बिहारी चाहे नॉन बिहारी, तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। इसी पर यह कोड बना हुआ है। के से क्या है, देखिए यहाँ के से खुराना, एच से क्या है हॉली, एन से क्या है नीरनबर्ग। यानी खुराना, हॉली, नीरनबर्ग को अवार्डेड नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला 1968 में जेनेटिक कोड में के बारे में बताने के लिए। पुनः इस बात को रिपीट कर देते हैं, बिहार में छठ के पहले ये पर्व खरना पर्व मनाया जाता है। जो भी बिहारी नॉन बिहारी जो करते हैं छठ, जानते होंगे इसके बारे में। इसकी सहायता से हम ये बता रहे हैं, के से है खुराना, एच से हॉली और एन से नीरनबर्ग। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है 1968 में जेनेटिक कोड बताने के लिए। तो अगर ये कोड आपको याद है तो इसमें दो तीन क्वेश्चन का जवाब हुआ। इसके लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। 11-12 मिला का 1000 कोड है। एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे यहाँ पर ये बताने के लिए हम ये खरना का शब्द का यूज किए हुए हैं। ये पुनः 1000 में कहीं भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना, नीट के एग्जाम में जो आपका कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करना। तो आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।